तो हेलो गाइस, मेरा नाम है एसजे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक और नए एनर्जेटिक ब्लाइंड व्लॉग में। तो गाइस, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं अपने वीडियोस के ब्लूपर्स जो है वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उसको जाकर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस, मुझे पता चला है कि कम्युनिटी टैब को अनलॉक करने के लिए 5000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो गाइस, जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स करा दो, क्योंकि गाइस जब कम्युनिटी टैब अनलॉक हो जाएगा तभी तो असली मज़ा आएगा। वैसे गाइस, एक और खुशखबरी है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, मेरा चैनल जो है वो SEO ऑप्टिमाइज हो गया है। इसका मतलब गूगल पे आप अगर सर्च करोगे ब्लाइंड ब्लॉगर SG तो आपको डायरेक्टली मेरा चैनल मिल जाएगा। आज मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, वो कुछ ऐसा था कि किसी भी सिम कार्ड पे मिस कॉल मार के ट्राई करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि उस सिम कार्ड को किसी ने खरीद लिया है कि नहीं। अकलमंद लोगों ने तो समझ लिया है, और जिन्होंने नहीं समझे वो जाके पोको टीवी देखो, क्योंकि यार ये जो मेरे चैनल है मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं। अब यार हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताने जाऊँगा फिर तो हो ही गया। तो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा इंसिडेंट। मैं जो है वो 12th के टेस्ट में हर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, लेकिन फिर जाके मेरे 12th में आए 79% मार्क्स। तो ये कैसे हुआ? तो यार, जब मैं 11th के क्लास में था तब साल था 2017। 2017 में मुझे अपना पहला मोबाइल मिला था, और 2017 में ही मैंने जियो का सिम भी लिया था। उस टाइम पे एक गेम था क्लैश ऑफ क्लैंस बोल के, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खेला करता था। मैं इतना ही ज़्यादा खेला करता था वो गेम कि मैंने अपने पढ़ाई छोड़ के वो गेम के प्रति कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन यार 11th में ख़राब पढ़ाई के बावजूद भी मेरे दोस्तों की हेल्प से मैंने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया, और यार फाइनल्स में मेरे 49% मार्क्स आए थे, जो कि बहुत ही कम थे लेकिन यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने अपना सारा ईयर जो है वो गेम खेला था। लास्ट टाइम में बैठ के पढ़ाई की थी फिर भी 49% मार्क्स आ गए थे। लेकिन ये सेम चीज़ जो है वो 12th के लिए नहीं काम करने वाली थी। 12th का सिलेबस जो है वो 11th से थोड़ा अलग होता है और थोड़ा एडवांस होता है। तो यार जो मेरे प्राइवेट ट्यूटर्स थे उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ ट्यूशन टीचर के भरोसे पे तो नहीं चलेगा, मुझे भी पढ़ना था। और मेरे से वही काम नहीं होता था, मैं बस गेम में कॉन्सेंट्रेट किया करता था, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया करता था। तो यार दिन ब दिन मेरी परफॉर्मेंस जो है वो ट्यूशन बैचेस में भी बहुत खराब होती गई, और इवेंचुअली जब 12th के टेस्ट के रिजल्ट आए तो मैं हर एक सब्जेक्ट में फेल कर गया था। जी हाँ, हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ इंग्लिश और बंगाली को छोड़ के। अब हमारे बोर्ड में क्या होता है कि मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स 70 नंबर के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको 21 नंबर गेन करने हैं पास होने के लिए, और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में 80 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें कि आपको 24 गेन करने होते हैं पास करने के लिए। अब जैसे कि मैं इंग्लिश और बंगाली छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल था, तो आप लोग एक गेस कीजिए कि बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे स्कोर कितने लो थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बंदे को 70 में से 21 भी नहीं मिले थे, फिर कितने मिले होंगे, 9 10? जी नहीं, 70 नंबर के जितने भी एग्जाम्स थे मुझे उनमें मिले थे 19 20 19। जी हाँ, अब मुझे पता नहीं गाइस कि स्कूल वालों से मेरे को पर्सनल दुश्मनी थी इसलिए स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया था, या मैंने सच में खराब पढ़ाई की थी। क्योंकि यार 21 नंबर के एग्जाम में आप 20 नंबर से फेल होते हो तो आपको क्या ही पता चलेगा। और जो 80 के सब्जेक्ट्स थे जिसमें 24 में पास था, उसमें एक में मिला मुझे 22 और एक में मुझे 20 मिले थे। तो गाइस, घर वालों ने तो बहुत ही ज़्यादा डांटा, ट्यूशन बैचेस में मैं अपने नंबर ही नहीं बता पाया। लेकिन एक मेरा दोस्त था जो बहुत ही बदमाश था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने क्या किया, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए बायोलॉजी सर के बैच में जाकर मेरे नंबर जो थे वो बोल दिए। उसी ट्यूशन बैच में मेरा एक अच्छा दोस्त भी पढ़ता था, मुझे उससे बाद में पता चला कि उसने सर को ऐसा कहा है। तो यार मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मैं सोचने लगा कि मैं अपने मार्क्स जो है वो कैसे इंप्रूव करूँ। एक्चुअली मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं पास कैसे करूँ। और मेरे घर वाले जो है जिन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई थी कि हमारा बेटा जो है वो 80% स्कोर करेगा 90% स्कोर करेगा, वो अब ये उम्मीद लगा रहे थे कि बेचारा पास कर जाए यही बहुत है। लेकिन गाइस 12th के फाइनल एग्जामिनेशन में मुझे मिले थे 373 आउट ऑफ 500। तो यार मैं जो है पहले फेल हो गया था हर एक सब्जेक्ट में, और बाद में जाके मैंने इतने ज़्यादा मार्क्स गेन किए। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। जी नहीं गाइस, मैंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जितना आप सोच रहे हो। तो आप में से बहुत कोई को लग रहा होगा कि मुझे इतने ज़्यादा नंबर कैसे मिल गया। देखिए, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अ मजिशियन नेवर रिवील्स हिज ट्रिक्स। ठीक उसी तरीके से मैं ये जो चीज़ है वो आपको नहीं बता सकता, बस इतना समझ लीजिए थोड़ा सा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मेरे खराब रिजल्ट्स आए थे तब हमारे क्लास टीचर ने मेरे पापा को बुलाया था, और मेरे पापा को बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी कि आपका लड़का जो है वो क्लास में डिस्टर्ब करता है, नहीं पढ़ता है, अगर आपके लड़के से नहीं होता है साइंस तो आपने क्यों दिलाया उसको। और बाद में जब मेरे इतने अच्छे नंबर आए तो उसी क्लास टीचर ने कहा था कि देखिए मुझे पता था कि आपका लड़का एक दिन ज़रूर अच्छा रिजल्ट करेगा। मतलब कुछ भी, इसका मतलब समझे गाइस, आपके रिजल्ट से जो है वो आपको जज किया जाता है। अगर आपने अच्छा रिजल्ट किया तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अगर आपने खराब रिजल्ट किया तो आप बहुत ही खराब बच्चे हो। और ऐसा हो भी सकता है कि आपने सिगरेट पी हो, दारू पी हो, गांजा पी हो, लेकिन अगर आपने अच्छा रिजल्ट कर दिया तो आप अच्छे लड़के बन गए। और अगर आपने खराब रिजल्ट किया, आप कितने भी दूध के धुले हो, आस पड़ोस वाले यही कहेंगे कि बेटा नशेड़ी लगता है, गंजेड़ी लगता है, इसीलिए कम नंबर आए हैं।
तो यार ऐसी सोच रखने वालों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, इन लोगों को बस स्मार्ट वर्क से हराना है। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। मैं आप लोगों से मिलूंगा मेरे एक और नए ब्रांड न्यू एनर्जेटिक ब्लाइंड व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड बाय एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।